अच्छा यहाँ पे है दरदरियून, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, सांगठ के साथ साथ रोशनदान व रखण गुर्जे, रोशनदान भी रखना चाहिए। अब है तत् यानी खुलासो, खुलासा। अल्लाह ताला असियाँ के घनी नेमतू नता क्यों ना हन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। जी हमारा तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है, जिसमें से तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है। तंदुरुस्त मानू, तंदुरुस्त आदमी या इंसान तालीम भी हासिल करे सगे, तालीम भी हासिल कर सकता है, कमाए बा सगे थो कमा भी सकता है, यानी बेन जा ख्याल भी रखे सगे थो और दूसरों का ख्याल भी रख सकता है। तंदुरुस्ती कायम रखने लाए, तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए चार उसूलन ते लाजमी अमल कजे, चार उसूलों पर लाजमी अमल करें। पहरियों पहला नंबर है, खुली या साफ हवा में रहन गुर्जे, खुली और साफ हवा में रहना चाहिए। ब्यो पानी के काढ़े, दूसरा पानी को उबाल कर टारिए ठारिए ठंडा करके आटरे साफ करके अहीं छाने और छान कर पोए कतब आटजे, फिर इस्तेमाल में लाना चाहिए। ट्यून सुठो खादो आए, तीसरा अच्छा खाना है। जी हम आप पूरी गजाइत होए, जिसमें पूरी गजाइत हो, अहीं हुजे भी लिख सकते हैं, होए भी लिख सकते हैं, हुजे लिख देते हैं भाई, ये हुजे का वर्ड यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ लिख दिया मैंने। अहीं ज़रूरत मुताबिक खायण घुर्ज, और ज़रूरत के मुताबिक खाना चाहिए। अहीं चौटून अहीं आखिरी उसूल वर्जिश है, और चौथा और आखिरी उसूल वर्जिश है, जिनके बाकायदगी सा करण ताहीं, जिसको बाकायदगी के साथ करने के साथ साथ करने से। उजवा चुरंदा, उजवा यानी जो हमारे आज़ा हैं वो हरकत में रहते हैं। तरत जो दौरो तेज़ थींदो, खून का दौरानिया तेज़ होता है, पगड़ निकरो विंदो आए और पसीना निकल जाता है। सेहत जिला सेहत के लिए हिनन उसूलन पे, ये दिए गए उसूलों पर अमल करना चाहिए।